नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूँ योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विभूति पाद के 34वें सूत्र की, जिसमें हृदय में संयम का प्रतिफल बताया गया है कि यदि कोई योग साधक हृदय में संयम कर लेता है तो उसे किस प्रकार की विभूति या सिद्धि प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं। हृदय चित्त संवित, ये सूत्र है। हृदय यानी कि हृदय में संयम करने से चित्त संवित, चित्त का ज्ञान हो जाता है, चित्त के विषय में पूर्ण जानकारी एक योग साधक को हो जाती है। अब बहुत छोटा सूत्र है और इसका अर्थ भी बिल्कुल सामान्य है। यदि कोई साधक धारणा ध्यान समाधि इन तीनों का एक रूप प्रयोग करके हृदय में संयम कर ले तो उसको अपने चित्त का ज्ञान हो जाता है कि मेरा चित्त क्या है। अब चित्त का किस प्रकार का ज्ञान होता है ये भी जान लेते हैं। उसे सर्वप्रथम ये पता चलता है कि चित्त सत, रज और तम से मिलकर के बना है। चित्त जड़ पदार्थ है, माने चेतन नहीं है, इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। ये जिस प्रकार का गुण इसमें बढ़ता है, गुण के बढ़ने से वैसे ही ये रिएक्ट करता है। इसकी क्षिप्त अवस्था है, मूढ़ अवस्था है, विक्षिप्त अवस्था है, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। इन अवस्थाओं का पता चलता है कि कितनी अवस्थाएं हैं, किस अवस्था में किस प्रकार के जो हमारा जो तीन प्रकार के तत्व हमने बताए सत, रज और तम, इन तीनों में से किसके घटने किसके बढ़ने से क्या बढ़ता है और किस प्रकार की अवस्था को हम प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से एकाग्र अवस्था आती है, उसमें किस प्रकार का ये गुण होता है, सत्व होता है, रज होता है, तम होता है, तो इन सब चीजों की जानकारी होती है। और हृदय प्रदेश में संयम करने से चित्त की विषय में ये भी जानकारी हो जाती है कि वृत्तियां कैसे कैसे आती हैं, उन वृत्तियों का क्या क्या एक सिस्टम है कि किस तरीके से वृत्तियां आती हैं, किस तरीके से वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। इन तमाम बातों की जानकारी हमें हृदय में संयम करने से प्राप्त होती है, क्योंकि हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है। और चित्त जड़ है, सत रज तम से मिलकर के बना है, और इसका जो काम है व्यापार करना है, चित्त की वृत्तियों का व्यापार करता है। विचार आते हैं जाते हैं तो विचारों का एक संग्रह केंद्र यानी कि एक बैंक इसको हम कहेंगे। इसकी पांच अवस्थाएं होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो ये पांचों अवस्थाएं में किस प्रकार का तत्व बढ़ता है तो कौन सी मात्रा होती है, उन सबका ज्ञान होता है। जिस प्रकार से क्षिप्त में रजोगुण की वृद्धि होती है, तमो इसमें मूढ़ अवस्था में तमोगुण बढ़ा होता है, और विक्षिप्त में एक सतोगुण प्लस रजोगुण की मात्रा होती है। इसी प्रकार एकाग्र में सतोगुण की मात्रा होती है, और जब इन सभी गुणों से रहित हो जाता है चित्त तो वो निरुद्ध अवस्था में आता है, माने इन गुणों का यदि आश्रय वो लेना छोड़ देता है। तो इस प्रकार से पांचों अवस्थाओं की अलग अलग बातें कही गई हैं। हृदय में संयम करने से इन सभी चीजों का ज्ञान होता है। साथ ये भी पता चलता है कि चित्त जो है वो अंतकरण का एक अंग है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजें हैं। तो चित्त की पूरी जानकारी यदि लेनी है तो हृदय में संयम करना पड़ेगा, ऐसा सूत्रकार कहते हैं। तो बहुत छोटा सूत्र था, बहुत ही सरल सूत्र है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और इसके बारे में कोई कमेंट हो तो जरूर लिखिए। आप सबका इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर स्वाध्याय करते रहिए और अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य करते रहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपकी आरोग्यता की और मंगल कामना करते हुए आपसे फिर मिलूंगा 35वें सूत्र के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।